अमित भाई जो है निकल रहे हैं अभी से कुछ ही देर में। बहुत अच्छा लगा करके यहाँ पे, हमेशा आगे बढ़िए। तो पहुँच गए जी हम लोग स्टेशन, अमित भाई और रुद्र भाई पीछे पीछे आ रहे हैं। तो हमारी कोमल दीदी, हम जा रही हैं, फिर कब आओगे आप? जब एक इंसान को समस्या होती कि भैया कोई गिफ्ट दे दे, और यहाँ इतना माल मिल गया कि रखने की जगह नहीं बन पा रही है। यहाँ पे उधर और है, लग रहा है एक दो जिले के और घर को लेना पड़ेगा किराए पे। वही अनबॉक्सिंग का भी चार वीडियो बनेगा भैया इसमें। पहले खोलना एक, नहीं नहीं, पहले खोलना पीले कलर रैपर वाले, फिर नीले वाले, फिर लाल रैपर, कलर के हिसाब से। और हमने देखिए गाइस, काफी दूर से भी लोगों को बुला रखा है जो लंबे लोग हैं, ताकि आराम से पास जाए ऊंचाई को। और भी लग रहा है लोग बुलाने पड़ेंगे। सोच लेना, ये थैला है, इसको इधर कहीं ये बहुत इसे ही उठा के रख दो ना, डायरेक्टली सही रख दो ना, इसे ये वाला थैला रख देते हैं। हो गया, फाइनली फिनिश्ड। अभी नीचे रखो, बाप रे इतने सारे गिफ्ट्स। कितना लकी है, उसके फर्स्ट बर्थडे पे इतने सारे गिफ्ट्स। चाहिए आपको भी के पास पक्का मिलेगा, 100% जल्दी आइए। इंस्टा लेके आइए, इंस्टा लेके। हाँ आइए, तो यहाँ देवी मैया, देवी मैया। $300 की वो पिटारा खुल गया, $300 का खजाना खुल गया। अरे इंस्टाग्राम से सबको पैसे आएगा। अभी मैंने ऑप्शन देखा अपने सबके फोन में, इसमें जाना है, ठीक इसमें जाना है, सेटिंग में, क्रिएट अ टूल, ऐड पेमेंट मेथड, इसमें ये पेमेंट मेथड आपने ऐड कर लिया। यहाँ पे सभी लगे पड़े हैं $300 के लिए। इधर देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, सब कम हुआ है। देखो इधर, देखो इधर, तो काफी मशक्कत लगी थी सभी को ऊपर करने में, तो फैमिली सभी लोग चल रहे हैं। चलिए चलिए जल्दी, बहुत मशक्कत लगी भाई साहब। थोड़ी देर पहले हम लोग बहुत खुश थे, हाँ, हमें भी $300 मिलने वाले हैं, लेकिन सब खत्म हो गया। मैंने तो सारा गुब्बारा फूल गया, वो ये भी जोड़ लिया था कि $300 में 24,000 होंगे। 24,000 हो गया, 3-4 में भाग गया। भूखे पेट कोई वजन नहीं होता, आप लोग भूखे पेट थे इसलिए नहीं हुआ पूरा। सही बात है, बहुत बहुत अच्छा था, जितना बोले कम है कि नहीं, बहुत टेस्टी था। दुकान में ही बिलता छोला भटूरा, ये सामान नहीं मिलेगा, ये चीज नहीं मिलेगी। इनका खाना बहुत टेस्टी होता है, हम लोग वहाँ उतना ज्यादा खा नहीं पाए। जो खाए ये मुलायम था, बहुत अच्छा था। दुकान जो खाएगा ना, था चिम्मर चिम्मर हो जाता है। कैसे बनाया बता दीजिए। आप गरम मैदा सुसुम पानी ले लीजिएगा, उसमें दही डालिए, हल्का मोम दिए, रिफाइंड उसके बाद में सान लीजिए, मैदा डाल के सान लीजिए, थोड़ा सा होगा तो मीठा सोडा दे दीजिए, हल्का नाम आधा घंटा, आधा एक घंटा, जैसे हमारे 8 बजे खाने लंच करना, 9 बजे 8 बजे शाम के धर दीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। सीख लिए ना, लेकिन लखनऊ में बनाइए, कटिहार में नहीं, कटिहार में यही बनाएंगे। हम नहा के रेडी हो चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं मंडली। हेलो करो साहब। हेलो, क्या चल रहा है सबका? रील रील रील, बस रील रील रील। हम लोग खाना, हम लोग का वीडियो अच्छा बन जाता है तो पेट ऐसे ही भर जाता है, इसलिए हमने खाना छोड़ दिया है। भैया से बोला है टेंट हटा दो, तो बस रील बना, हट रहा है, बस रील बना लेंगे। हाँ, हम लोग थोड़ा 10-10 रील बना लेंगे तो हो जाएगा हम लोग। और क्या चला तुम्हारा? काहेला मुंह ललकर, कुछ ना रील्स ना बना, इसलिए मन ठीक नहीं है उसका। नींद नहीं आ रहा है, हाँ अभी तब से रील्स बना रही थी तो इसको नींद नहीं आ रही थी। मेरे लिए जल्दी से गाना खोज के रखो, तो हम लोग खुशी ना बनाते हैं, बस बना रहे। अमित भाई हमारे, रुद्र भाई काम करते हुए ऐसे खाना खाते थे, आज इनसे इतना काम करवाया है ना, इतना काम करवाया हमारे पति है भैया, हम थोड़ा भी नहीं थके। अच्छा अच्छा, नींद आ रहा है, रेस्ट कर लीजिएगा। तो वहाँ पर जो रील्स की शूटिंग चल रही है तो देख सकते हो, और यहाँ पत्थर लगा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं खाने का। अभी जुगाड़ ये चल रहा है, और उधर टेंट जो है अब वो हट रहा है,
क्योंकि कल रात में जो बहुत तेज हवा बही थी, टेंट जो है पूरा उखड़ गया था। उसके बाद हमने कहा काम ही खत्म करो अब इसका। तो अभी बज रहे हैं जी 3:20। अमित भाई जो है निकल रहे हैं अभी से कुछ ही देर में। और बात क्या है, उनकी जो ट्रेन है, उनकी ट्रेन है 4:20 में। तो उनकी ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस और यहाँ से 4:20 में निकलेंगे और सुबह 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो अमित भाई आपका सारा सामान, सब सामान ये है कि ये जो चार्जर वार्जर है, दो है ना आपका? बस यही है, ये दो है। ठीक है, चलिए गाड़ी उधर लगी। लेडी जो थी तब ज्यादा सामान होता। हाँ सही बात है, वो देख चुके हैं सामान आपके, जब सूरत में गए थे। अच्छा खासा था एकदम, बड़ा बड़ा ट्रॉली। तो कितना सामान, बच्चे का ही एक बैग हो जाता भैया। अब तो यहाँ पर अमित भाई जो है सभी से विदाई लेते हुए, ये साक्षी जी है। आप मत करिए तारीफ, लोग कर देंगे। और ये साक्षी जी की छोटी सिस्टर है ना, बड़ी तो नहीं है ये साक्षी जी को कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। छोटी ने अभी स्टार्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक बार हम लोग जाते जाते सब लोगों से मुलाकात हो रहा है। टाइम भी खराब हो गया, टाइम हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो अमित भाई जी सभी से विदाई ले लिए और फिर जो है गाड़ी लेकर के आते हैं। अमित भाई रहे तब तक आ जाएंगे, इनका सामान तो नीचे ही है। चलते हैं सीधा। आपका बेटा कहाँ है? एक बार बहुत अच्छा लगा करके यहाँ पे, हमेशा आगे बढ़िए। बिल्कुल ओकेजन होगा, बिल्कुल 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 आएंगे। आपके शब्द हम हमेशा वीडियो के थ्रू सुनते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है जो भी आप चीजें बताती हो ना जीवन में। आदमी अगर अपनाता रहे तो बहुत अच्छा रहे उसके लिए, जो भी आप चीजें बताते हो वीडियो में। शाश्वत भाई की वीडियो में हमेशा देखने को मिलता है, आपकी बातें सुनने में। सोच के मैं नहीं बोलती, जो मेरे बेटा के साथ जितने बच्चे आ रहे हैं सभी मेरा बेटा है। शुभकामना करते हैं, जिस तरह हंसते खेलते तुम लोग साथ निभा रहे हो, शिकायत नहीं है, सब लोग एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल साथ ही रहेंगे सब। ठीक है, आशीर्वाद देते हैं। हाँ हमसे ऊंचा बनो। अरे अमित भाई क्या जरूरत है इसकी, सारे बच्चे अमित भाई। अरे अरे दिया देखो, बाय ले भी लिया पैसा, ये खेलने देते हैं इसको, चलते हैं हम लोग। ठीक है चले, गाड़ी ले लेते हैं। अभिषेक को बोलते हैं कि इनका शादी करा और बेटा सब शादी किया, बाल बच्चेदार हो गया। तू सब है, सब लाइन में है, सब लोग लाइन में है। बिल्कुल देख लो इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आते हैं। पानी गिरा रहा है एक ध्यान। हाँ सुन रहे माँ, बोले क्रियांश पानी गिरा रहा है, तो बोलता है हाँ। A few moments later. तो पहुंच गए जी हम लोग स्टेशन, अमित भाई और रुद्र भाई पीछे पीछे आ रहे हैं। तो जी यहाँ जो हमारा दोस्त है जी, यह एकदम नहीं कहते जिगरी यार, बचपन का दोस्त एकदम। और हम लोग जब क्लास में साथ बैठते थे तो हम लोगों को टीचर जो अलग अलग कर देते थे, ये दोनों साथ बैठेगा तो कोई ना कोई पूरा होगा। देखा ये बहुत सारी छोटी छोटी यादें हैं, एक ब्लॉग में बताना मुश्किल है, उसके ऊपर 10 ब्लॉग बन जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा। तो हम लोगों की इतनी कहानी है, कभी हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे और एक एक करके चर्चा करेंगे अपनी यादें, छोटा छोटा यादें जो आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। अच्छा तो हमारी दीदी ये नहीं आ पाई कि उनकी उनकी तबीयत खराब थी, पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है ना दीदी, ये देखो पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हाँ नहीं तो क्रियांश को आशीर्वाद ही देने। दीदी आपके आपका ड्रेस क्रियांश इतना पहनाना मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे पर्सनली इतना पसंद आया ना उसका ड्रेस, बहुत वो ब्लू और व्हाइट कलर का जो दीदी पहना था, इतना प्यारा था वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत प्यारा था दीदी। तो हमारी कोमल दीदी हम जा रही हैं, फिर कब आओगे आप? जब बुलाओ, जब तो हम बुलाते ही रहेंगे, जब बुलाओ तब आना। ठीक है चलो साक्षी दीदी छोड़ दीजिए थोड़ा, मैं सोच रही थी कि कहाँ ये छुट्टी का मैं चेंज कर रही थी, नहीं तो फिर मैं लड़की का चौथा बार मेरा कपड़ा खुलवा देती है कि नहीं जाना है। हाँ इसलिए मैं छुप के गई और चेंज किया मैंने, लेकिन फाइनली इस बार छुप के पहन लिया मैंने। तो यहाँ कोमल जी को मोनू छोड़ रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं हमको छोड़ गए सभी पर, हमको छोड़ के सब आ गई ना। आ ना और मेरे साथ बैठी कांदी दीदी, दीदी अब बोलेगी नहीं, मगर भूख लगी थी बहुत।
A few moments later. खाना पीना हो गया, अब चाय पीना है लोगों को, है ना? हाँ, चाय पीना है। ऐसा लग रहा है कि अपने घर पे ही जब देखो ऑर्डर देते रह रहे हैं। अभी केक खाया हमने, अभी चाय पीना, लग रहा है जैसे घर पे ही है, जब जो मन करे ऑर्डर देके बस खाते जाना है, खाते जाना है।